हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल लर्न अबाउट टेंस। आप सभी जानते हैं कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनेट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस समझते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी पहचान है ता हूँ, ती हैं और ती हूँ। अब इसका रूल या स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स क्रिया का पहला रूप, प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल समझते हैं। मैं एक आम खाता हूँ। आई ईट अ मैंगो। सेकेंड एग्जांपल समझते हैं। ही प्लेस क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट। और थर्ड एग्जांपल समझते हैं। यू स्पीक इन इंग्लिश। यू स्पीक इन इंग्लिश। अब इसमें ये एस या ई एस किस में लगता है और किस में से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है ये समझते हैं। फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, ऐसे ही इसमें लगता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगता है। और ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। इसको आप समझ लेंगे तो आपका ये बनना बहुत सिंपल हो जाएगा। अब सेकंड हम लोग समझते हैं। सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टेंस। इसकी पहचान है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे। रहा है, रही हूँ, रहे हैं। इसका रूल या स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। राइटिंग अ लेटर।
और थर्ड समझते हैं, सुभाष इज टेलिंग अली, सुभाष इज टेलिंग अली मतलब वह झूठ बोल, सुभाष झूठ बोल रहा है। अब इसमें यहाँ समझाए थे इस एम आर, इस एम आर किन किन सब्जेक्ट्स के साथ लगते हैं, तो इस लगते हैं ही शी और इट के साथ, और एम लगता है सिर्फ आई के साथ, और आर लगता है वी यू और दे के साथ। इसको आप समझ लेंगे और इसका रूल और स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, पहचान याद कर लेंगे, तो आपको पहचानने में और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पूरे प्रेजेंट टेंस टेंस बनाने में आसानी होगी। अब थर्ड हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं। अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल समझते हैं, वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं, ही हैज सीन द ताजमहल। अब इसमें दिया है एज या एम, हैज एम में से कौन कौन सा कौन सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, तो हैज लगे कि ही शी इट और या किसी के नाम रहेगा, तो जैसे सुभाष, सुभाष हैज सीन द ताजमहल, इसमें हैज लगेगा, राम, श्याम और हैव, आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा हैव। अब फोर्थ और लास्ट इसका काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका पहचान है रहा है, रही हूँ या रही हैं, या रूल सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम मीन्स सिंस और फॉर, सिंस फॉर प्लस सब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल समझते हैं, राम 2 घंटे से लिख रहा है, राम हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर। इसमें फोर लगा, तो आपको फोर सीन्स किसके साथ लगते हैं और फोर किसके साथ लगते हैं, ये देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिए, सेंसर फोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और हैज़ हैव तो आपको दिखाई थी मैंने, ये हैज़ हैव, हैज़ इनके साथ लगते हैं, तो हैज़ जिनके साथ लगते हैं उनमें बिन लग जाएगा, जैसे ही हैज़ बिन, शी इज़ बिन, इट इज़ बिन, सुभाष हैज़ बिन, आई हैव बिन, वी हैव बिन से मिल जाएंगे। तो इतना आप कर लेंगे तो आसानी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।